हाय अल्लाह किने बनावा क्यों है जबैदा वो मान ला गल सुन तनु नरगसी कोफ्ते ते पसंदे बनाने आंदे ने नरगसी कोफ्ते ते पसंदे ऐ की बुलाए एहो ही बुलावा तेरी बड़ी बाजी ने मेनू आख्या बनाण नु ओए मेनू नहीं बनाने आंदे समझ नहीं आ रही किवे बनावांगी मान अल्लाह की करा हाँ ओ जाला बीबी नहीं है निक्की बीबी उन्हें बड़ा ही शौक है हांडिया पकान का उन्हें मैं फोन मिलानी तो फोन है तेरे को फोन है जी मेरे को हेलो मेहरबानी शलाइनी हेलो सलाम है दादी जी दादी गाल कर रहे हैं हाँ नगो काऊ अच्छा चलो तुम फिक्र नहीं करो मैं आ रही हूँ ठीक है वो आ रहे ने निक्की बाजी आ रही ने हाँ जबरदस्त हो गया इतना शोर क्यों मचाते रहते हो तुम लोग अरे मुंह बंद करके नहीं खेल सकते क्या दादी जान एक बात कर लूं हाँ बोलो तुम भी बोलो क्या बात कहनी वो जी आज जो नरगिसी डांस है ना वो आप रहने दें नरगिसी डांस अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम भला मैं क्यों देखने लगी नरगिसी डांस अरे पागल हो गया है दिमाग चल गया है तेरा अस्सलाम वालेकुम अरे वालेकुम अस्सलाम आओ बेटा आओ कैसी हैं दादी जान थोड़ा परेशान लग रही हैं अरे क्या कहूँ बेटा यहाँ तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है चलिए आप परेशान मत हो मैंने आपके लिए ना कीमा मटर बनाया है उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा शुक्र है जान बच गई चवैदा की इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा अरे अब तो हमने भी एक मुलाजमा का बंदोबस्त कर लिया है अब वो भी रोज मजे मजे के खाने पकाएगी और हम भी भेजेंगे तुम्हारे घर ये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन दादी जान एक बात कहूँ आप ना ये नई मुलाजमा की खुशी में ना हेवी खाने मत बनवाइएगा मेरा मतलब है कि सेहत का भी ख्याल रखना इम्पोर्टेंट होता है ना आप दाल सब्जी या आप सादा बना हुआ मीट लिया करें वो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी होगा अरे वाह भाई वाह इसके बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था बहुत अच्छी बात कही है तुमने ऐसा ही करूँगी